हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य के कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और जानेंगे किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। समय और वर्क सभी जितने भी जॉब्स के लिए होते हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। समय कार्य सभी जॉब्स में आते ही आते क्वेश्चन, चाहे एक क्वेश्चन चाहे दो क्वेश्चन, नॉर्मली आते ही रहते हैं हर बार क्वेश्चन। तो आज हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे किस प्रकार से उसको ट्रिक के थ्रू जल्दी जल्दी कम समय में उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो देखते हैं, आपको एक पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आ चुका है। जो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, मैं अपनी कॉपी में लिख चुका हूं, आपको अपनी स्क्रीन पे देखिए दिख रहा होगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, मतलब ए की तुलना में बी जो है वो 60% अधिक है। 60% किससे अधिक है, मतलब ए की तुलना में, देखिए लिखा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन समय लेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। ए किसी कार्य को करने में कितना समय ले रहा है बच्चों, 12 दिन, 12 दिन लेता है बच्चों। तो 12 दिन अगर ले रहा है बच्चों और एक ही कार्य क्षमता जो है वो, मतलब बी की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्य कुशल है, तो मतलब 60% अधिक का मतलब अगर ये 100 करेगा, 100 दिन में करेगा, मतलब ये 100 कार्य इसका है तो इसका 160 क्षमता है। बताइए बच्चों, अगर इसकी 100 क्षमता होगी तो इसकी कितनी क्षमता होगी, 160 होगी, क्योंकि 60% अधिक है, बी अधिक है। ध्यान देना क्वेश्चन में, ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्य कुशल है, तो 60% अधिक है। तो ए अगर 100 कार्य करेगा तो बी कितना करेगा, 160। कट कर लीजिए जरा इसको, 0 0 2 5 10 2 8 16, मतलब ये 5A और ये बराबर 8B। ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल से चीज है। तो मतलब ये ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में करता है, बोले बच्चों 12 दिन में करता है। ध्यान दीजिए, तो 5A लिखा है, तो ए जो करता है वो करता है बच्चों कितने दिन में, 12 दिन में। तो 5A कितना करेगा बच्चों, बता दीजिए जल्दी से, 5A कितना हो जाएगा, 12 5 60 दिन। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, 5A लिखा है तो 5 कितना हो जाएगा, 12 5 60। लेकिन 8B निकालना, ये इसके बराबर है, तो 8B मतलब 8B निकालने के लिए, तो ये 12 5 60 हो गया बच्चों, 12 5 60 इसके, तो 8B, तो B कितने दिन में कार्य करेगा बताइए बच्चों, बच्चों 60 बटे कितना 8, क्योंकि 8 भाग में आ जाएगा, ये हमें बी का निकालना है, तो 8 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो काट दीजिए इसे, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4 4 5 20 4 2 8, तो मतलब 2 7 14 सही 1/2 दिन, सॉरी वो जो दिन लिखेंगे यहाँ पे 7 सही 1/2 दिन में बी कार्य कर सकता। समझ में आया बच्चों, अच्छे से समझ आया सब लोग को। देखिए बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो मतलब ये 100 कार्य करेगा तो ये, मतलब ये 100 कार्य करेगा तो 160 कार्य कर देगा ये। तो हमने सॉल्व कर लिया, ये 5A, तो ए कितना है 12 दिन में, तो 5A कितना हो जाएगा 60, लेकिन बी निकालना तो बी 8 है, तो 8 कहाँ भेज देंगे बच्चों, उसको नीचे भेज देंगे, नीचे बच्चों इसलिए भेज देंगे, बी का कार्य निकालना, सिर्फ बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए 8 कहाँ भेज दिया नीचे। सॉल्व कर लिया, कितने दिन में करेगा, 7.5 दिन। समझ में आया बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, 7.5 वहाँ पे लिखा होगा, टिक कर दीजिए, वो सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन आ चुका होगा, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, तो मैं पढ़ देता हूँ उस क्वेश्चन को एक बार। ए एक कार का 1/2 भाग 5 दिन में, ए जो है एक कार का 1/2 भाग जो है वो 5 दिन में, समझना बच्चों। बी इसी कार का 3/5 भाग 9 दिन में, 3/5 भाग जो है बी कर रहा है कितने दिन में बच्चों, 9 दिन में, बहुत ही सिंपली बताएंगे बच्चों आपको। सी इसी कार का 2/3 भाग 8 दिन में, सी जो है 2/3 भाग जो है वो 8 दिन में करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में। तो पहले तीनों को जब भी आप बटे में दे रखा हो, इस इतना भाग इतने दिन में करता है, तो उल्टा गुणा कर दीजिए आप, उल्टा मतलब इसे 1/2 दे रखा है यहाँ पे, तो आप कितना गुणा करेंगे, तो 2
ऊपर जाएगा और एक कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ए उसी कार्य को करेगा कितने दिन में, 10 दिन। बताइए 5 × 10 और एक नीचे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ देखिए 3 × 9 क्योंकि 3 नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ 1 बच जाएगा तो बी कितने दिन में कर देगा, जल्दी बता दीजिए जितना जल्दी हो सके। 5 × 3 = 15 समय में करना है हम लोगों को क्वेश्चन, तो 5 × 3 = 15। अब ये नहीं कि अभी 3 गुणा करेंगे तो दिख रहा है 3 × 9 कट जाएगा, सिंपली काट देंगे और 5 × 3 = 15। सी बता दीजिए इसी प्रकार से, तो सी भी दिख रहा होगा 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, तो 4 × 3 = 12। ठीक है, ए 10 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा, सी 12 दिन में, तीनों मिल करें तो तीनों का लासा बच्चों बता दीजिए 10, 15 और 12 का लासा। बड़ी संख्या कौन सी है बताइए, 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि उसमें 10 और 12 का भी आ जाए। तो 15 × 8 = 120 होता है, देखिए तो 10 भी आता है उसमें, 10 के पहाड़े में भी आता है, 12 के भी पहाड़े में आता, तो कितना लासा हो जाएगा बच्चों, 120। फिर देखिए ध्यान दीजिए, 10 कार्य कर रहा है, कितना कार्य है 120, तो कितना कार्य कर रहा है, 10 का भाग करेंगे तो कितनी बच जाएगा 12, तो ये 12 कार्य कर रहा है। 15 × 8 तो ये 8 कार्य कर रहा है, 12 × 10 तो ये 10 कार्य कर रहा है। जोड़ दीजिए बच्चों, तो 12 × 8 = 20 = 10 = 30, तीनों मिलकर 30 कार्य कर रहे हैं। कार है कितना 120, तो कितना दिन लगा देंगे, 120/3 मतलब 3 × 4 = 120, मतलब a + b + c कितना करते हैं यहाँ पे, सॉरी बच्चों प्लस सी, तो यहाँ पे सी मतलब यहाँ पे तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। तो 4 वाला ऑप्शन जो है वो सही है। समझ में आया बच्चों सब लोग को, ये पहले चेक करते क्या है, पहले लासा निकाल लेते हैं, लासा निकालने के बाद जो भी लासा आया है सबका भाग भाग करो, 10 का भाग 12 में करेंगे 120 में, तो कितना आएगा 12। भाग इसलिए करते हैं ना बच्चों क्योंकि वो कितने दिन मतलब कितना कार्य कर रहा है, जैसे 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है, तो कौन कितने दिन में मतलब कर सकता, कितनी क्षमता है, तो 10 कर रहा है तो 120 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों 12, 15 कर रहा है 120 में तो 15 × 8 = 8 क्षमता है, 12 × 10 इसकी 10 क्षमता है। समझ में आया बच्चों, और तीनों को जोड़ दीजिए यहाँ पर और फिर जो भी निकल जाएगा वो पूरा कार्य कितना 120 भाग कर दीजिए आंसर है। समझ में आया बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, जहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछिए बच्चों, ठीक है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इस चीज़ से। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, सभी भाग किए गए यहाँ पे जो चीज़ लिखी गई है, 10 का भाग 120 में, 15 का भाग 120 में, 12 का भाग भी 120 में, जो भाग फलाया वो यहाँ लिखा, 10 का भाग करेंगे तो 12 बचेगा, तो 12, 15 × 8 तो 8, 12 × 10 = 10, तीनों को जोड़ा है हमने तो 30 आ गया, तीनों मिलके a + b + c 30 का करते हैं, 12 × 8 = 20 = 10 = 30, और 30 हमने क्या कर दिया भाग, क्योंकि नीचे ला देना a + b + c निकालना है, तो कितने दिन में 4 दिन में कार खत्म हो जाएगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपकी स्क्रीन में बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थर्ड क्वेश्चन जो मैं लगवाने जा रहा हूँ, तो वो देखिए वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको उस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। ध्यान दीजिए, ए किसी कार्य को, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन में और 15 दिन में कार्य कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, ध्यान देना, ए ने 4 दिन काम किया, उसके बाद बी ने 5 दिन काम किया, उसके बाद बी ने 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम किया, सी ने अकेले शेष काम को जो बचा हुआ काम है उसने अकेले यहाँ पे किया, तो तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे, कितना समय यहाँ लेंगे तीनों अगर एक साथ कार्य करें, तो ध्यान दीजिए बच्चों। अच्छा यहाँ पे सी पर्सन भी है, ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ कार्य कितना है, 10 और 15 का लासा आपको मालूम है, 10 और 15 = 120 = 30 हो जाएगा, सॉरी 10 × 30 होता ना, 15 × 30 और 10 × 30, तो यहाँ पे 30 लासा, ज़्यादा भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है वैसे, तो यहाँ पे सही लिखिए जो छोटी छोटी वैल्यू हो सके आपको आसानी हो करने में, ठीक है, तो 30 हो जाएगा, 10 और 10 × 30 = 15 × 30, तो 10 × 3 तो ये मतलब ये कितना कार्य करता है बच्चों, 3, 15 × 2 तो मतलब कितना कार्य करता है, 2 का, पता है, समझ आया, 10 × 3 तो 3 काम करता है, 15 × 2 तो मतलब 2 काम करता है। ए ने अकेले पहले 4 दिन काम किया, तो काम करता वो कितना है, 3 काम करता है, 4 दिन काम करेगा, अगर 4 दिन ए लगातार काम करेगा तो कितना कर देगा, 4 × 3 = 12, देखिए बच्चों 3 काम कर रहा है, बताइए कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन, तो 4 × 3 = 12। अब बी कितने दिन काम कर रहा है, 2, मतलब 2 काम कर रहा है, कितने दिन तक काम कर रहा है, 5 दिन तक, तो 5 दिन अगर काम करेगा बी तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10,
अगर 5 दिन काम करेगा लगातार और 2 काम करता है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो कितना काम हो गया बताइए, 12, 10 और 22 काम हो गया। 30 काम था यहाँ पे, 22 काम खत्म हो गया भाई, शेष काम कितना बचा है? शेष काम आप तो बता ही सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है कि 30 काम था भाई, 22 काम खत्म हो गया और 8 दिन, तो 8 काम शेष है। और सी शेष काम कितने दिन में खत्म करता है, देखिए उसमें लिखा है सी शेष काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो सी जो है शेष 8 काम भी है, सी जो है वो 8 दिन में करता है, तो 8 दिन में समाप्ति भी करता है, तो 1 दिन में 1 काम करता होगा, मतलब ये देखिए 8 काम बचा है बच्चों, 8, और सी कितने दिन में खत्म करता है, 8 दिन में खत्म करता है, 8 दिन में खत्म करता है, मतलब सी 1 दिन में 1 काम करता होगा, 1 दिन में 1 काम, 2 दिन में 2 काम, 3 दिन में, इसी प्रकार से 8 दिन में 8 काम खत्म हो जाता है, तो पक्का सी जो होगा वो 30 काम करना होगा, तो 30 काम करना हो तो कितने दिन लेगा बच्चों, 30 दिन लेगा अगर उसे इस कार्य को करना है, तो कितने दिन, क्योंकि 1 दिन में 1 कार्य करता है, 30 दिन में वो 30 कार्य पूरा खत्म कर देगा, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, अब तीनों 3, 2 और 1, तो मतलब कितना कार्य हो गया, 3 प्लस 2 प्लस 1, मतलब 3, 2, 5 और 1 6 काम, तो 6 काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, तो 6 × 5 = 30, मतलब कौन सही है बच्चों ऑप्शन, उसमें 5 वाला जो ऑप्शन है वो सही है। भले ये क्वेश्चन बड़ा हो गया लेकिन आप जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे तो लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब ट्राई तो करिए, अब देखिए जैसे 22 काम है तो 30 काम थे, 22 काम खत्म, तो 8 दिन में करते, तो 1 दिन में 1 काम, तो 3, 2, 5 और 6, तो 6 × 5 = 30, मतलब वो 5 दिन में काम को खत्म कर देगा बच्चों, तीनों मिलकर 5 दिन में काम को खत्म करते हैं, ठीक है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों आपको नेक्स्ट 4 जो क्वेश्चन होगा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, मैं उस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ए बी सी एक कार को कम से 11 दिन में, 20 दिन में, 55 दिन में, ए ध्यान देना बच्चों कितने दिन में, 11 दिन में, बी बच्चों 20 दिन में, सी कितने दिन में, 55 दिन में, सिंपल सी चीज है, कर सकते हैं। यदि ए के साथ 1 दिन में बी, अगले दिन सी, पहले ए के साथ में पहले बी आता है और फिर अगले दिन एक साथ कौन आता है बच्चों, सी आता है, तो बताइए, तो बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, इसको इधर लिख लेते हैं बच्चों। तो ए के साथ पहले बी आ रहा है, फिर ए के साथ बच्चों सी आ रहा है, ठीक है, तो पहले निकालिए कार्य कितना है। अच्छा 11, 20, 55 को लाशा निकालने में टाइम तो लगेगा ना, कुछ नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए हम लाशा दिए कि ना। अच्छा 11 और 55 को लाशा बताइए कितना होगा, 55 ही होगा, 11, 25, 55, तो इन दोनों का तो फिक्स हो गया, कितना हो गया 55। अब बात करते हैं इन दोनों के लाशा, अब 55 और 20 में 5 से कट जाता है, याद होगा 5 से आप काट सकते हो, 5 × 4 बार कटता है, तो 4 गुणा कर दीजिए, 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20 = 22, समझ में आए, सिंपल। फिर से देखते हैं बार, 11, 20 और 55 में 11, 25, 55, तो अब 11 छोड़िए 55, 55 और 20 में क्या कहा मैंने बताया, 5 से कटेगा, कितनी बार कटेगा 20, देखिए 5 × 4 जितनी बार कटेगा उतने गुणा कर दी, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 = 22। जब भी आपको 3 संख्या देखे ना तो पहले सबसे छोटी संख्या जो है उसको बड़ी संख्या में भाग करके देखिए, भाग क्या हो रहा है पहले, अगर भाग हो रहा है तो फिर ठीक है, फिर दो जो संख्याएं बचेंगी, जो बड़ी संख्या जो बचेंगी उसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या से कट रहा होगा उसी संख्या से छोटी वाली संख्या में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और जितनी बार भाग जाएगा उतने का गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो कितना काम है बताइए, 220 है, तो 11 ये करता है या दिन में, तो कितना क्या करेगा काम, कितना करेगा बच्चों, 11 × 2 = 22 = 0, मतलब ये 20 काम करता है, 20 का इसमें करेंगे 20 × 1 = 20 और 2 बचेगा तो 20 × 1 = 20, और 55 × 4 भी किया था हमने ना, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 = 22, मतलब ये 20 और ये 11 और ये 4 इसकी क्षमताएं हैं, तो अगर 20 का ए प्लस बी है पहले, तो ए प्लस बी बताइए कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 11 मतलब कितना काम हो गया बताइए बच्चों, एक 20 हो गया ये 11, तो 1 और 2 = 3 कितना काम हो गया, 1 हो गया 2 = 3 31 काम हो गया। अब ए प्लस सी, तो 20 और प्लस 4 मतलब कितना काम हो गया बताइए बच्चों, 24। अच्छा 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन होगा ना, पहले ए प्लस बी ने किया फिर ए प्लस सी में, तो कितना काम हो गया बच्चों, 4 × 5 = 3 = 5, मतलब 55 कार हो गया, तो 55 2 दिन में हुआ है, काम कितना 220, हम जानते हैं 55 चौको होता है, मतलब इसके 4 बार करने पड़ेंगे, तो इसलिए
कितने काम कर लगेगा, दो दिन में 55 कार होता है, तो 220 कार होने में कितना लगेगा, कितने गुणा का, चार का, तो इधर भी चार का कर दीजिए जल्दी से, 220 कार यान लीजिए कार, तो चार दुनी आठ दिन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मजा आ गया। तो चार दो चौको आठ, यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखिए 55 है, इसका भाग करिए, चार बार जाएगा, तो चार बार जब जाएगा तो चार दुनी आठ दिन, सिंपल देखो, क्योंकि 55 दिन दो दिन में 55, तो 220 कार होगा, 55 कार दो दिन में होता, 220 कार चार गुणा कर दी, क्योंकि चार गुणा किया हमने, तो चार दुनी आठ, तो तीनों मिलके मतलब आठ दिन, मतलब सॉरी पूरा काम जो है आठ दिन में समाप्त हो जाएगा। समझ आया बच्चों सभी लोग को, आशा करते हैं सभी लोग को समझ में अच्छे से आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।